आणि अशा प्रकारे मोहन मोहन सर या ठिकाणी त्यांना मदत करतात. ते युपीएससीची तयारी करून राहिले. आता इथं बघा, इथं प्रयोग चालू आहे कागदाला फळी चिटकवण्याचा, आणि कागदाला फळी चिटकवण्याचा आणि त्याला कपडे लटकवण्याचा. आपला कचरा या ठिकाणी. अरे मित्रा, या ठिकाणी युपीएससी करणारे एक कृषी अधिकारी झालेले दोन व्यक्ती या ठिकाणी कागदाला फळीची टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जे आयोगाला नाव ठेवतात, जे आयोगाला नाव ठेवतात. आयोग तरी काय करीन बोलते. अशोक सर, अशोक सरांनी या ठिकाणी कागदाला फळीची टाकण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे. कसं पॉसिबल आहे ते काय नको त्याला. या ठिकाणी आठमुठ्या पानाचा कार्यक्रम या ठिकाणी केलेला आहे. याबद्दल काय वाटतंय जी न्यूज. या ठिकाणी कोणता खेळ न टोकता केवळ कागदाला फळी चिटकवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी चाललेला आहे. आता अशोक सर या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत कागदाला फळी चिटकवण्याचा. आणि ते म्हणतात सलग दोन वर्ष फळी चिटकून राहणार आहे. मागचा आणि यशस्वी प्रयत्न होतो का नाही इथे चेअर ठेवायची आणि इथे बसायचं असं. त्यावर नाही आमच्या आता येते कारण नाही अशोक अरे आतापर्यंत मला असं वाटत मिसलं येड आहे मलाच काही येत नाही. म्हणजे मला पण येते काहीतरी कपडे टाक म्हणते. यो प्रसंग मी कुठं तर लिहून ठेवणार माझ्या पोस्टल डायरीत. फक्त माझ्या प्रयोगाला ना डिस्टर्ब नका करू. ओके ओके चालत. तुमच्या प्रयोगासाठी शुभेच्छा. ओके झालं झालं झालं. शख्स ये देखिए, एक शख्स यहाँ फड़ी चिटकाने का प्रयोग कर रहा है लेकिन ये सच होगा क्या नहीं मालूम नहीं. ये पड़ेगा जरूर. आपको क्या लगता है ये गिर जाएगा या नहीं. ये देखिए, ये कितने भी फेविकॉक लगाइए फेविक्विक लगाइए नहीं होने वाला है. नहीं, ये फेविक्विक की जायत है, फेविक्विक से चिकटता है. ये नहीं होने वाला है क्योंकि भिंत पर ही कलर के कलर है और कागज ही कागज कलर लेके निकल जाएगा. बोला ना तुम्ही पण काय काय. अरे व्हिडिओ शूटिंग चाललोय. हा चालू आहे ना. मग आम्ही काय प्रेक्षक पण पाहिजे ना बघायला. कॅमेरामॅन
तुमचं काय म्हणणं आहे सर? कॅमेरा रिपोर्टर सर के साथ कॅमेरामॅन प्रकाश हरण सिंग. देखिए यहाँ पे एक बहुत अजूबा साइंटिस्ट जा रहा है, साइंटिस्ट मिस्टर अशोक महले फ्रॉम कलवन नाशिक डिस्ट्रिक्ट. छगन भुजबल के बहुत नजदीकी रिश्तेदार है. उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर का और यूनिवर्सिटी में उन्होंने एनवायरमेंट साइंस के लिए पीजी कर रहे हो सेकेंड ईयर में. और बहुत अच्छे जाना माना साइंटिस्ट जाने जाते हैं. और ये अजूबा आज करने जा रहे हैं कि दीवार पे वो नया लकड़ी वाला बॉटम चिपका रहे है, देखते हैं एक ऐसा सफलता उनको मिलती है या नहीं. सब लोग कहते हैं कि ये शायद पागलपन है, लेकिन वो कहते हैं कि बी पॉजिटिव, देखते हैं आगे क्या होने वाला है. रिपोर्टर मून सारे के साथ कैमरामैन प्रकाश वंशी, धन्यवाद. तुम्हें क्या लगता है शेखर सर इस बारे में? इस बारे में हम इस बारे में हम अर्थतज्ञ सुनील गुलदगड़ के पास जाएंगे. सुनील गुलदगड़, क्या आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्यों ऐसा कह रहे? ये कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है, तुम कागज पर ये भी कर रहे हो. इसको डोका नहीं है क्या? नहीं है भाई, वैसा ही है उसके जैसा. अब हम जाएंगे प्रमोद के पास. यहाँ गपचुप पड़े हुए प्रमोद सर आपको क्या लगता है देखकर? प्रमोद सर तुम्हारा क्या? प्रमोद सर आपकी राय बताओ. प्रमोद सर जो कि फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं. कहीं महीनों से क्या राय है, कहीं दिनों से और मिल रहा है, इसीलिए उसका प्रमोद गोलांडे. मुझे कुछ नहीं लगता है. मैंने कुछ बात की थी, वो बोलते हैं आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ऐसे करते ऐसे करते. क्या राय है तुम्हारी, बोलो. मेरे हिसाब से वो सब गलत चल रहा है. और देखा आपने यहाँ पे प्रमोद जी ने कहा कि ये बहुत गलत बात हो रही है, यहाँ पे सक्सेस नहीं होने वाला है. आगे अगला पर्सन है हमारे पास नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट सुनील गुलदगड़. नहीं, सुनील गुलदगड़ का हो गया. अभी शाम शेर के ज्ञानेश्वर के पास जानना चाहेंगे कि क्या प्रयोग सफल हो पाएगा या सिर्फ बचपन है पागल बने, देखते उनकी राय जानने की कोशिश करते मिस्टर ज्ञानेश्वर शेर. हमें लगता है वो बंदा जो कर रहा है वो अच्छे तरह से कर रहा है, उसका जो क्या है सक्सेस में होगा या नहीं वो बाद में आप डिसाइड करेंगे. हाँ, डिसाइड कर लेगा, लेकिन वो कर रहा है, वो अच्छे तरह से कर रहा है, इसलिए हम उसे धन्यवाद देते हैं. आपने देखा वो अर्थतज्ञ कहाँ का है हमें बताइए. सर आप कहाँ से हो? हम जुन्नर से. हाँ, इसलिए वो ऐसा है. हाँ, शिव छत्रपति की भूमि से. हाँ, वो आए है और उनको उन्होंने राय दी है कि वो सक्सेस हो जाएंगे. उन्होंने उस साइंटिस्ट को धन्यवाद शुभकामनाएं. अगले हम राय जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर मीना गुलदगड़ से. मिस्टर गुलदगड़ इकोनॉमिस्ट है सर, आपके तंगड़े खाली कर दिए सुनील गुलदगड़. मित्रों एक सांगा अगर हिंदी में बोलेंगे तो और हमारे प्रेक्षक को हिंदी ज्यादा. ये जो व्यक्ति है ये कागज पे फड़ी चिटक रहा है. ये जो व्यक्ति है ना ये उसका समर्थन करता है. ये आदिवासी है या इसलिए वो एक मत हो गए. अभी अभी शिक्षण में आए वो लोग. ओके ओके, लेकिन वो यूपीपी का कार्यकर्ता है. ओके ओके, और बहुत लोगों की राय हमने जानने की कोशिश. उनकी राय कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेस होगा, कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि पागलपन है. देखते हम खुद साइंटिस्ट से पूछते हैं कि क्या उनके बारे क्या लगता है आपको. हेलो सर प्लीज. हाँ बोले, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है?
आपका नाम बताए और मेरा नाम अशोक माल है। मैं क्या सर आपको लगता है कि तुम्हारा प्रयोग सक्सेस हो जाएगा? या मेरा प्रयोग सक्सेस होने में की गारंटी बहुत है, इसीलिए मैं सब मन लगा के कर रहा हूँ। हमने सोचा कि आप जब सोए थे तो सपने में इस प्रयोग आया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं पिछले साल से दिमाग में रख के करना चाहता था। आज तक आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए जो सक्सेस रेट क्या है सर? 0.5 1% 2% इसलिए मैं नहीं सर ये तो पागलपन, इस तरह पागलपन की चीजें देखकर हमको नहीं लगता कि आपका सक्सेस का सिक्स रेट 10% भी होगा। सर क्या क्या कहना चाहिए? नहीं तुम जो क्या देखना चाहते हो जब सक्सेस होगा तभी देखने का मिलेगा कि 100% या 0%। मुझे उदाहरण यहाँ पे देना चाहेंगे वो कितने बार? सॉरी सर आई कैन कंपेयर टू देखिए नरेंद्र मोदी के तो हमको भी पता है कि आप एडिसन जैसे बन नहीं सकते, बहुत मामूली से इंसान हो, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मामूली इंसान ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि लेकिन जो अपना क्या प्रयोग है उसके आधार पे प्रयोग के बाद ही आप कह सकते हैं सक्सेसफुल या सक्सेसफुल ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे बचपन आए सक्सेस नहीं हो जाएगा, हर साइंटिस्ट को पहले ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। नहीं सर लेकिन कुछ तो उम्मीदें होनी चाहिए। हाँ मुझे उम्मीद है कि पूरा तरह से सक्सेसफुल होगा। आपने देखा कि वो देख रहा है वो आपने कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की है? क्या आप इस प्रयोग के बारे में जरा डिटेल में बताएंगे? हाँ मैंने पहले कागज लगाया इस पर और पहले को ना सुखा टूट गया। कागज सर कौन से तरह का यूज किया आपने? अपना गाँव का पेपर है। गाँव का? अच्छा और क्या यूज किया सर आपने? उस पर फेविकॉल लगाया। फेविकॉल और जो क्या हाथी भी नहीं टूट सकता ना, वही हाथी की जाहिरात रहती नहीं कोई। अच्छा यानी कि तुम फेविकॉल की एडवर्टाइज कर रहे हो या क्या? समझ में नहीं। नहीं नहीं मैं तो एक सिंपल प्रयोग कर रहा हूँ। सर उन्होंने ना भी की जाहिरत दिखी है वो हाथी टूटता नहीं, इसलिए वही प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। अच्छा सर तो क्या क्या इस्तेमाल क्या 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 है? मैंने इसमें थोड़े का इस्तेमाल किया और जो खिला है उसका इस्तेमाल किया और कागज और फेविकॉल का इस्तेमाल किया, बस इतना ही इस्तेमाल किया और सबसे ज्यादा भेजा का इस्तेमाल किया। सर हमको तो नहीं लगता इसमें कुछ भेजे का यूज किया। तुमको लगता नहीं इसलिए वो अभी हम उनका एज के कितना है आपका? मेरा एज 24 है। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं एनरोलमेंट में पढ़ रहा हूं, एमएससी कर रहा हूं। एमएससी कर रहे हैं? कौन से कॉलेज में पढ़े आप? पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। पुणे यूनिवर्सिटी में? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे? ओके सो आप हाथ निकाल हाथ हमें पता हमें मालूम कैसा होगा ये सक्सेस होगा कि नहीं? हाँ देखो सक्सेस हो गए। और कपड़े टांगो। अभी नहीं ये देखो सर प्राइमरी स्टेज तो कंप्लीट कर दिया है उन्होंने, लगता है कि शायद सक्सेस हो भी जाएगा, लेकिन देखते हैं जब कपड़े टांगेंगे तो तब पता चलेगा कि ये सक्सेस होता है या फेल होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। चलो तो फिर कपड़े लाओ। सेकेंडरी स्टेज में कितने साल लगता है कि अभी कितना टाइम लगेगा? सुबह तक सर। साइंटिस्ट का कहना है कि सुबह तक फाइनल हो जाएगा और हम कपड़े टांग लेंगे और उनको लगता है कि ये सिर्फ प्राइमरी स्टेज है, फाइनल स्टेज अभी बाकी है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही बहुत 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 कुछ डिफरेंट कर रहा है बंदा, तो आपने उनके आइडल कौन कौन है उनसे पूछिए जरा। मेरा आइडल है नागार्जुन और साइंटिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे हमारे चैनल ऑफिस में कॉल आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिए लोगों ने कि ये सिर्फ पागलपन है, ये सक्सेस नहीं होगा। और बहुत से आपके मित्र भी है जो बहुत करीबी रिश्तेदार भी है आपके जो कह रहे कि क्या कह रहा है हमारा अशोक, हमारी खुद की ही इमेज
गिरा रहा है। नरेंद्र मोदी का भी कॉल आया था, नरेंद्र मोदी का। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जब मैं कोई नया प्रयोग करने जाता हूँ तब मैं ये रिश्ते बिश्ते कुछ नहीं देखता, सब मेरे ससुर की ओर ही देखता। सर नरेंद्र मोदी जी ने भी कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि जब भाइयों और बहनों हमारे देश में अभी अभी हमने स्टार्टअप स्टैंडअप ऐसी स्कीम लॉन्च की है तो ठीक है, लड़का कुछ करना चाहता है तो करने दो, लेकिन ऐसा पागलपन सिर्फ पागलपन ही होता है, उन्होंने भी पागलपन ही कहा था अपने इस एक्सपेरिमेंट। और नरेंद्र मोदी जब ये प्रयोग सक्सेस होगा तब नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ये इसके हम पद्म भूषण पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा इस शास्त्रज्ञ को। उन्होंने ये भी सर फाइनल में ये भी कहा कि हम जो नोबल की कमिटी होती है उनको भी नॉमिनेट करने के लिए हम बातचीत करेंगे सर, शायद ये सक्सेस होगा तो आपको नोबेल को भी नॉमिनेट किया जा सकता है सर। हाँ। क्या लगता है आपको? जरूर, मेरा कहना है कि जरूर सक्सेसफुल होगा और सुबह ही देखेंगे और सक्सेस होगा या नहीं। सर सुबह तक आप ऐसे खड़े रहेंगे क्या? नहीं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ठीक है सर, इस अभी तक यही काफी है सर, हम यही देखते रहे सर, सुबह 7 बजे फिर देखिएगा हमारा ये शो, अगला प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम नहीं सर यही प्रोग्राम, लेकिन अगले भाग में सर देखते हैं कुछ अजूबा। थैंक यू सो मच। रिपोर्टर मोहनदास भुसरे के साथ कैमरामैन प्रकाश सिंह। अजूबा या कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। रात्रीच आपण जो एपिसोड बघितला होता त्याचं आज सक्सेस त्याचं झालेलं आहे। तरी शास्त्रज्ञ अशोक महालेंसोबत आपण या ठिकाणी, अशोक महाले सर तुमचं पुन्हा एकदा अभिनंदन, तुमचा हा प्रयोग आहे ते सक्सेस झालेला आहे आणि सगळ्या स्तरातून तुमचं अभिनंदन होत आहे। तरी तुमची पॉझिटिव्ह थिंकिंग या ठिकाणी उपयोगात आलेली आहे। नरेंद्र मोदी काय म्हणते, मला असं वाटतं की या ठिकाणी मी जे काही राष्ट्रीय वक्तव्य केलं होतं त्यांना जे काही समर्थन मी दाखवलं होतं त्याच्यावर समाजातून बरेच टीकेची झोड माझ्यावर उठली होती। तर या ठिकाणी मी जे काही आपले शास्त्रज्ञ अशोक महाले यांनी जो काही प्रयोग करून दाखवलाय समाजापुढे, रात्री जी काही त्यांची टिंगल टावळी जी काही चालली होती ती आता मला जरा असं वाटतं सकाळी पुढे थांबेल याची मी अपेक्षा वाढतो। आणि जी काही टिकेची झोड आमच्या दोघांवर चालली होती, जी काही त्यांची समर्थक असेल त्यांची जी काही टिंगल टावळी चालली होती ती नक्कीच येत्या काळामध्ये थांबेल आणि त्यांना जो काही प्रयोग शिकले त्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन। आता आपण या ठिकाणी आपण प्रमोद सरांकडे जाऊया। प्रमोद सर तुम्ही रात्री म्हटले होते बचपना याच तर काय रात्री 11 वाजता आम्ही उठलो, रात्री 2 वाजता आम्ही उठलो आणि हा प्रयोग पाहिला। हा प्रयोग आम्हाला जवळजवळ शक्य करायसारखा वाटला त्यामुळे आम्ही रात्री 2 वाजता आणि ज्येष्ठ पत्रकार मोहन भुसरे यांच्याकडे आपण जात आहोत। तरी मोहन भुसरे सर, ज्येष्ठ पत्रकार मोहन भुसरे सर या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करतायत। मोहन भुसरे, सर तुम्हाला वाटत नाही का आता नरेंद्र मोदींनी जी घोषणा केली होती पद्मश्री आणि पद्मभूषण नोबेल आणि या ठिकाणी वाददंगत ठरलेले सुनील गुलदगड, या ठिकाणी सुनील गुलदगड यादी उपस्थित नाहीयेत तरी त्यांचा आपण या ठिकाणी वाट बघणार आहोत। सुनील गुलदगड सर अतिशय जातीयवादी वक्तव्य करणारे सुनील गुलदगड सर तुम्हाला काय वाटतंय हे सगळं बघून? त्यांनी की रात्री खूपच वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं सरांचं, या ठिकाणी अजूनही म्हणणं आहे की काय फक्त थोड्या कालावधी पुरतं टिकणार आहे सर, हे थोड्या कालावधी पुरतं का होईना पण यशस्वी प्रयोग झाला असं तुम्हाला वाटत नाही का? म्हणजे जागतिक कीर्तीचे अर्थ तज्ञ या ठिकाणी नाकारतायत पण तुम्हाला असं वाटतंय का टीका जी काय टीका ज्या लोक टीका करतात त्यांची तोंड बंद झाली असतील तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही स्वतः त्या टीकेमध्ये सहभागी होती, तुमचं तोंड बंद झालं तुम्हाला नाही वाटत? नाही आमचं तोंड अजिबात बनवलं अजून आता बोलतोय तुम्ही म्हणते यासाठी म्हणतात तोंड बंदणार नाही की अगोदर ते टीका करत होते आता अभिनंदन। ओके, या ठिकाणी पुन्हा एकदा आजोबा कार्यक्रमातून
शाम को और एक अजूबा देखेंगे हम इस कार्यक्रम में, रिपोर्टर मोहन भुसारे के साथ, कैमरा मैन प्रकाश चंद्र सिंह के साथ। धन्यवाद, देखते रहिए न्यूज चैनल भुसारे भुसारे भुसारे।